Wait! Oh shit! Yeah! Oh shit! Oh shit! So guys, ये चेक करो अपनी बाइक यार, कितनी खतरनाक लग रही है भाई। मेरी आंखें नहीं हट रही बाइक के ऊपर से भाई, ग्राफिक्स ऐसे लग रहे बाहर आ जाएंगे यार, इतनी सही लग रही है ना भाई। किस किस को आवाज सुननी है पहले बताओ। और गाइस इस पे ग्राफिक्स करवाए हुए हैं, देख रहे हो कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताना। यहाँ पे अपना नाम भी लिखवाया आलियन व्लॉग्स, और यहाँ पे डेडपूल का लोगो जो कि बहुत खतरनाक लग रहा है। गाइस सारे पार्टी पॉपर मैं ही फाड़ूंगा। क्या बात है, जगह दो, भाग, निकाल बाइक। गाइस ट्रैफिक वाले आगे, वहां पे भागना पड़ा हमें यार। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, होप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल आर्यन व्लॉग्स। तो कैसी है मेरी YouTube फैमिली, होप सब अच्छे होंगे। तो देख रहे हो गाइस, आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं हम फिर से अपने रूम से। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं एक अच्छा सा व्लॉग बनाने के लिए, और कल हमारी बाइक भी रिवील होने वाली है। तो चलो गाइस अभी निकलते करते अपने हल्क को कोल्ड स्टार्ट और चलते हैं एक अच्छा सा व्लॉग बनाने के लिए। तो गाइस कल के व्लॉग में मैंने एक अनाउंसमेंट की थी, तो आज के व्लॉग में मैं रिपीट कर देता हूं। तो वो अनाउंसमेंट ये थी कि अगर जनवरी एंडिंग से पहले आप मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा देते हो, तो मैं J&K की हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर मीटअप रखूंगा। तो गाइस प्लीज मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो जनवरी एंडिंग तक, फिर मीटअप रखेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। पहले J&K कवर करेंगे, फिर पूरा इंडिया कवर करेंगे। तो चलो फिलहाल अभी निकलते बनाते एक अच्छा सा व्लॉग, तो करते अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट। तो सीधा मिलता हूं आपसे बाइक पे। सो फाइनली गाइस ये लगा अपना हल्क, तो चलो इसको जल्दी से कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। और देख रहे हो यार बाइक को अच्छे से वॉश कर लिया हमने, देख रहे हो कैसे चमक रही है, अभी अभी वॉश किया, गाड़ी को भी वॉश किया और बाइक को भी वॉश किया। तो चलो इसको जल्दी से कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। ये लगा दी हमने की, ये हो गई हमारी बाइक कोल्ड स्टार्ट। क्या बात है, देखो पानी, गाइस चेक करो, ये देख रहे हो पानी कैसे निकल रहा है। गाइस जब मैंने नई ली थी ना, इसको रोज धोता था, अब 1-2 हफ्ते के बाद धोता हूँ। और गाइस यहाँ पे चेक करो यहाँ पे क्या है। तो गाइस ये वो सेटअप है जिसे मैंने मोटो व्लॉग स्टार्ट किया था। जो लोग मेरी वीडियोस बहुत पहले से देखते हैं ना, वो इस हेलमेट को पहचानते होंगे। तो गाइस मेरा वही सेटअप है जो मैं यूज करता था पहले। तो ये चेक करो, स्टील बर्ड की हेलमेट है, आगे माउंट लगा है, इस पे मैं अपना वीवो का फोन लगाता था। और गाइस ये आई गेस मोनो का माइक है जो मैंने 300-400 रुपए का लिया था। तो गाइस मैं आपको एक छोटी सी क्लिप भी दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने सेटअप वगैरह पहना हुआ है, तो वो देख लो आप जाके। तो गाइस वीवो के फोन से GoPro 11 की जर्नी बहुत खतरनाक है, बहुत हार्ड वर्क लगा है, पर यार इस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए जैसे कि मैंने किया है। तो गाइस अभी सेटअप सैम पहनेगा, फिर इसके भी सब्सक्राइबर बनेंगे, फिर इसको भी GoPro लेके देंगे। गाइस जिसको भी मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है ना, ये सेटअप बेस्ट है। गाइस ये सेटअप 1100-1100 का आ जाता है, और इस पे आप नॉर्मल अपना फोन अटैच करके अच्छे से मोटो व्लॉगिंग कर सकते हो। गाइस ऐसे फोन अटैच हो जाता है इसके ऊपर जैसे मैं पहले करता था। तो गाइस आप इससे इजीली मोटो व्लॉगिंग कर सकते हो। जो बिगनर बंदा है ना भाई, ये वाला सेटअप यूज करो आराम से, इस पे आप सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो जैसे कि मैंने किए। गाइस आपको पता है सेटअप कितने का आता है, 2000 की हेलमेट है, 1100 रुपए का टोटल माउंट का सेटअप होगा, तो बहुत सस्ता है यार। ऊपर आप अपना फोन लगा सकते हो, तो आराम से मोटो व्लॉगिंग कर सकते हो। तो चलो यार अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं, तब तक गाड़ी को बाहर निकाल लेते हैं। सो गाइस ये जो मेरी ऑरेंज वाली हेलमेट है, पता नहीं अंदर कहाँ पड़ी हुई थी, तो कल सैम निकाल के लाया, फिर मैंने सोचा कि यार मैं व्लॉग में दिखाऊंगा इसको। सो गाइस गाड़ी निकाल दिया बाहर, तो चलो अभी निकलते हैं। सो गाइस ये चेक करो भाई, धुआं कैसे निकल रहा है हमारी बाइक से। गाइस ये धुआं क्यों निकल रहा है यार, ये क्या सीन हो गया है। बाइक गर्म हो रही होगी ना, तो ठंडा पानी है ना, तभी हो रहा होगा ऐसा। कैसे हो, ठीक हो, और सब ठीक, हेलो कैसे हो, ठीक हो। सो गाइस मेरे ख्याल से पानी गया होगा, तो उसकी वजह से ही हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, ओके मिलते हैं, बाय। फोटो लेना है, ले लो ले, ठीक है, ओके ब्रो। एंड गाइस अभी आप बैक फायर चेक करना यार, देख रहे हो बैक फायर, ये चेक करो भाई। बच्चे देख रहे हो, हेलो, थैंक यू, हेलो कैसे हो, ठीक हो, हेलो आ जाओ, हेलो कैसे हो, ठीक है, आराम से हाथ को ना लग जाए, आराम से, ठीक है, मिलते हैं भाई। हेलो क्या हाल है, हेलो कैसे हो, ठीक हो, 180 bhp। बच्चों को आवाज बहुत पसंद आ रही है भाई की, मुझे ऐसा लग रहा है। सो गाइस ये चेक करो हमारे जम्मू की रोडों की हालत देख रहे हो भाई, ये क्या बना हुआ है भाई यहाँ पे। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सितरा वाली रोड पे, और यार मैंने वाइजर खुला रखा था, मेरी आंख पे कीड़ा बजा के यार मेरी आंख की बुरी हालत हो गई है, और हमारे फ्रेंड फोन करे जा रहे हैं मुझे, तो थोड़ा जल्दी चलते हैं बिकॉज हम लेट हो गए, और मेरी बाइक पागलों वाले बैक फायर मार रही है। गाइस मैं आपको बताता हूँ जब मैं रेस छोड़ रहा हूँ क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब ये मैंने अभी रेस दी हुई है ना, जैसे मैंने रेस छोड़ी, पता क्या होगा, पटाखे चेक करो,
भाई बैक फायर पे बैक फायर निकल रहे, बाइक को पता नहीं क्या तोड़े पड़ गए यार। गाइस आ गए हैं सीधी रोड, तो चलो थोड़ा भगाते हैं, चलते सीधा पिट स्टॉप। ब्रेकिंग चेक कर लो, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्या बात है, निकले दोनों के बीच से निकल जाते यार, बड़ी जगह। भाई धक्के देती है बाइक यार, इंसेन पावर है, इंसेन प्रो मैक्स। भाई बेवकूफ आगे ना आ जाए। गाइस हम जब आते हैं गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि हम बैक फायर्स के साथ आते हैं। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच गए पिट स्टॉप। हेलो बुट्टे कैसे है तू, ठीक है? कहां था तू? हेलो जीनत कैसे हो? किसकी लड़ाई होगी भाई? चांटा मार आपको, तूने थप्पड़ मारा इसको? नाबालिग लड़के को मारा तूने? तेरे पे कोर्ट केस हो सकता है, पता तुझे? सो गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे पुलिस की जिप्सी है, तो चलो देखते हैं अंदर से कैसी होती है। भाई बाहर आ जाओ। सो गाइस ये चेक करो, जिप्सी अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे मुजरिम्स को रखा जाता है, मुजरिम होते हैं ना जो, ये लोग सारे मुजरिम है। तो अभी हम जिप्सी ड्राइव करने वाले हैं। सो गाइस अभी जिप्सी खराब हो गई हुई है, ये 1947 की जिप्सी है। और स्टार्ट होगी अबे मुजरिमों मेरे को बैठने तो दो। सो गाइस अभी हम ड्राइव कर रहे हैं पुलिस की जिप्सी। सो गाइस बहुत अच्छी वाइब आ रही है इसमें, तो मजा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। सो गाइस जिप्सी पे ऑफ रोड करने जाते हैं नीचे। गाइस इसकी थोड़ी सेटिंग हिली हुई है यार, जिप्सी की चल ही नहीं रही है, पता नहीं बार बार बंद हो जा रही है। ओए ओ शिट ओ शिट या शिट ओ शिट अरे शिट यार, भाई ये ब्रेक ही नहीं बजती इसकी। हाँ बाइक उठा पापा, बाइक उठा, क्या कर रहे? ओ पीछे कर बाइक पीछे कर, आगे मत करना। अबे पीछे ले यार, क्या? ओ भाई अरे ब्रेक ही नहीं बजी यार इसको, लगी तो नहीं पापा लगी तो नहीं? अरे यार ब्रेक ही नहीं है इस बाइक बोल रहा हूँ गाड़ी में। हाँ ठीक है ना, बाइक ठीक है ना यार, ब्रेक बजी नहीं है, ही नहीं ब्रेक्स है ही नहीं। चलो शुक्र है यार बच गए सारे, नुकसान नहीं हुआ। तो गाइस अभी जिप्सी को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई क्या इशू है इसके अंदर। तो यार ये स्टार्ट भी नहीं हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें यार। और भाई इसको तो उतारो, ये तो उतारो। गाइस इस जिप्सी में ना ब्रेक्स बजती है ना ये स्टार्ट होती है। और ये देखो कैदी आ गए वापिस, आधे कैदी गिर गए गाइस, आधे कैदी गिर गए मेरे। तो गाइस ये चेक करो, अभी हम जिप्सी में, और जिप्सी बहुत ज्यादा कांप रही है यार। जिप्सी की सुई चेक करो गाइस, सुई देख रहे हो? जिप्सी की सुई डांस कर रही है गाइस। गाइस मैं इंडियन गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि हमारे जाबाज पुलिस ऑफिसर्स को इस जिप्सी की जगह कोई अच्छी गाड़ी दी जाए, बिकॉज गाइस ये बहुत हिल रही है गाइस, इसकी अलाइनमेंट भी आउट है। गाइस हमारा जिप्सी लाने का मोटिव यही है कि हम स्टंटबाजों को जम्मू से खत्म कर सके। ओए ओए स्टंटबाज जा रहे हैं, The next day. So hello everyone, कैसे हो आप सब? Hope सब अच्छे होंगे। So welcome all of you to my channel Alien Vlogs. So कैसी मेरी YouTube family? Hope सब अच्छे होंगे। तो guys देख रहे हो आज का vlog शुरू कर रहे हैं हम फिर से अपने room से। So finally guys कल का vlog तो आपने देखा होगा, आपको तो पता होगा मैंने meetup रखा है, तो अभी हम जा रहे हैं meetup वाली location पे। पर guys एक scene हो गया, मुझे लड़के फोन करके बोल रहे थे कि यार पुलिस अरेस्ट कर रही है जो लोग meetup वाले spot पे खड़े हैं ना। guys हमने meetup रखा है कुंदन मोटर्स के बाहर, पर जो भी वहाँ पे खड़ा हो रहा है ना पुलिस वाले इसकी बाइक सीज कर ले रहे हैं, पता नहीं क्या सीन हो रहा है यार। अब मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे जाऊँ कैसे, अगर अपनी हल्क लेके जाऊंगा तो क्या बता उसको भी सीज कर ले, पर यार बाइक के बगैर मजा नहीं आएगा। तो अभी हम हल्को कोल्ड स्टार्ट करते फिर लेके चलते हैं उसको मीटअप वाली लोकेशन पे। गाइस मुझे लग रहा है आज का दिन बहुत एडवेंचरस होने वाला है, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके बताना हमारी वीडियो कैसी बनी है। तो फाइनली गाइस मैंने राइडिंग गियर्स वगैरह पहन लिए, चेक करो पीछे राइडिंग बैग अपना, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। तो ये रहा हमारा मोटर व्लॉगिंग सेटअप, तो चलो जल्दी से हेलमेट वगैरह पहनते फिर निकलते हैं, वो देखते हैं भाई क्या सीन होता है। आप लोग प्रे करो कुछ सीन ना बने। सो गाइस यहाँ पे हमारा कोल्ड स्टार्ट हो रहा है, मेरा पूरा घर हिल रहा है यार। मैं सेकंड फ्लोर पे था, मुझे सेकंड फ्लोर पे ऐसा लग रहा था भाई नीचे भूंचाल आ गया हुआ, इतनी आवाज है इसकी। तो चलो गाइस इसको कोल्ड स्टार्ट होने देते, गाड़ी को निकालते हैं बाहर, तो चलते हैं अपनी लोकेशन पे। और गाइस मुझे पिकी भी यहाँ पे फोन करके बोल रहे थे कि लड़कों को यहाँ पे खड़े नहीं होने दे रहे हैं पुलिस वाले, तो यार सीन ना बने आज कुछ, बस मैं वही सोच रहा हूँ। गाइस जाके ही पता चलेगा क्या सीन है वहाँ पे, और अपनी बाइक में फ्यूल भी नहीं है यार, ये रिजर्व पे है। शिट सो फाइनली गाइस अभी हम निकल चुके हैं घर से, तो नीचे दादी का हमारा वेट कर रहा है, तो चलो। सो फाइनली गाइस ये आ गया अपना XP95, तो चलो यार फुल करवा लेते हैं अपनी बाइक। सो गाइस फ्यूल फिल करवा लिया, तो चलो पे करते हैं तो निकलते हैं यार। सो गाइस इधर एक और सीन हो गया यार, बाइक की बैटरी डेड हो गई है, पता नहीं इसकी बैटरी क्यों बीटी देने लगी यार, ये देख रहे हो
स्टार्ट ही नहीं हो रही है यार, अब गियर में स्टार्ट करनी पड़ेगी। सुपर बाइक भी गियर में स्टार्ट करनी पड़ रही है, क्या दिन आ गए भाई। गाइस सुपर बाइक्स को ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए होती गियर में स्टार्ट होने के लिए, ऐसे ही हो जाएगी मजाक मजाक में। देखा 10 की स्पीड में स्टार्ट हुई, बाकी अगर नॉर्मल बाइक्स होंगी ना उनको 25 से 30 की स्पीड बनानी पड़ती है। सो गाइस ये रुकी अपनी छोटी निंजा, यार इसकी बैटरी को पता नहीं क्या हो गया यार, बैटरी नहीं चल रही है इसकी। सो गाइस सैम चलाने वाला छोटी निंजा और दानी को मैं पीछे बिठा रहा हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ से बिल्लो रानी लेनी है, तो दानी चलाएगा हमारी हल्क। तो चलो चलते हैं, पहले इसको गियर में स्टार्ट करते हैं यार, इसको पता नहीं। ओ भाई देख रहे हो झटका क्या मारा इसने। सो फाइनली गाइस अभी हम गुजरनगर पहुंच चुके हैं, तो ये रहा भाई गुजरनगर वाला नाका, तो यहाँ पे तो नाका नहीं लगा हुआ है। सो गाइस अभी घूमट पहुंचने ही वाले हैं। सो गाइस अभी हम लोकेशन पे, ओ बच्चा मर गया यार, बच्चा मर गया भाई। किस किस को आवाज सुननी है पहले बताओ, किस किस अब मजा आया, पहले मजा नहीं आ रहा था। हाँ फिर से ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ से बाइक तो नहीं ले सकता कोई। कितने बजे करें रिवील आप लोग बताओ? 1 बजे पूरे, ठीक है पूरे 1 बजे बाइक रिवील करते हैं, ठीक है। बाइक का कलर कॉम्बिनेशन गेस करो सारे, मुझे गेस करके बताओ। एक तो रेड है, रेड है, तुम लोगों ने पहले देख लिया है, तुम लोगों ने पहले देख लिया यार। और गाइस पुलिस वाले भी स्वागत के लिए रुके हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, वो चेक करो वहाँ पे भाई, बाहर पुलिस वाले, मैं नहीं जा रहा हूँ, चक्कर है पुलिस वाले क्यों है इधर। सो गाइस अब बस बाइक रिवील करने ही वाले हैं, यहाँ पे बोर्ड वगैरह हटा दिया सब कुछ, तो चलो पर्दा हटाते हैं, तो आपको भी बाइक दिखाता हूँ यार, आप लोगों ने बाइक नहीं देखी है। भाई निकलने के लिए थोड़ी जगह बना दो ना, बाहर कैसे लाएंगे बाइक्स, थोड़ी यहाँ से लेनी है ना, ओ यार ये सीधा करेंगे तो करे रिवील करे। तो चलो गाइस बाइक रिवील करते हैं, अभी 3 तक काउंट करो सारे, चलो 6 5 4 3 2 1 गो। ये चेक करो, 3 2 1 गाइस ये चेक करो अपनी बाइक यार, कैसी लग रही है कमेंट करके बताना भाई, बाद में दिखाता हूँ आपको। तो चलो बाइक बाहर निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं बाइक को, क्या बात है, ओ क्या बात है, इधर देखो, ओ देनी खुल रहा, मैं फाड़ता हूँ गाइस सारे पार्टी पॉपर मैं ही फाड़ूंगा, ओ क्या बात है। तो चलो गाइस अभी बाइक को बाहर निकालते हैं, पेटलॉक स्टैंड से उतरवाओ, पेटलॉक स्टैंड से उतरवाओ। सो गाइस अभी जगह बना रहे हैं बाहर निकलने के लिए, बिकॉज जगह है ही नहीं, तो जगह बनानी पड़ेगी। गाइस अभी यहाँ से सीधा चलेंगे, वहाँ पे बताता हूँ आपको कैसी लग रही है बाइक। बाहर ही आ रहा हूँ, बाहर बाहर मिलता हूँ सबसे, बाहर सबसे मिलूंगा। हाँ आजो आजो आजो, बर्नआउट यहाँ पे कौन बोल रहा है, अच्छा अच्छी लग रही है, चलो सही है। तो गाइस यहाँ पे चेक करो कितने सारे भाई आए अपने, आ जाओ यार खिंचा लो जिनसे फोटो खिंचानी, फिर निकलूंगा मैं, आ जाओ। हाँ है, कान खा जाती है क्या बात है, हाँ ले लो आराम से लो यार, कोई जल्दी नहीं, क्या बात है यार। सभी सब भाइयों से फोटोज वगैरह ले लेते हैं, कोई गियर नहीं डाल देना गलती से, कैसे हो भाई, आराम से आराम से। चलो अब उतारते हैं बाइक नीचे, लो 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 जल्दी करो जल्दी करो बाबा, थोड़ी सी जगह दो थोड़ी सी, ओके भाई मिलते हैं बाद में, ठीक है, जगह दो जगह दो जगह दो, भाग 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 भाग, निकाल बाइक निकाल बाइक। गाइस ट्रैफिक वाले आ गए, वहां पे भागना पड़ा हमें यार। तो गाइस चलो अभी सीधा चलते हैं, अभी तक तो मैंने आपको बाइक दिखाई नहीं है, कहीं रुक के आपको बाइक दिखाता हूँ, हेलमेट हेलमेट पहना कराओ। सो गाइस यहाँ पे रुक के आपको बाइक दिखाता हूँ यार पहले। सो गाइस ये चेक करो अपनी बाइक यार, कितनी खतरनाक लग रही है भाई, मेरी आंखें नहीं हट रही बाइक के ऊपर से, कितनी सही लग रही है, देख रहे हो भाई ग्राफिक्स ऐसे लग रहे हैं बाहर आ जाएंगे यार, इतनी सही लग रही है ना, धुआं निकल रहा है मेरे ख्याल से, पेंट मारा है ना इसकी वजह से धुआं भी निकल रहा है बाइक से नीचे से। गाइस ज्यादा एक जगह रुक नहीं सकते यार, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। सो गाइस ये चल रहा है अपना हल्क। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं स्टैंड पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको बाइक दिखाता हूँ यार मैं आराम से। तो यार लुक चेक करो यार बाइक की,
क्या लग रही है कसम से। तो फ्रंट से शुरू करते हैं गाइस, फ्रंट में मैंने पावर पार्ट डलवाया, ये वाइजर देख सकते हो आप, तो कमेंट करके बताना ये कैसा लग रहा है। और इसके साथ आपको पता है बॉडी किट तो डली है, वो तो आपको पता ही है। और गाइस मैंने पीछे ए लिखवाया है, और गाइस इस पे ग्राफिक्स करवाए हुए हैं, देख रहे हो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। यहाँ पे अपना नाम भी लिखवाया है आलियन ब्लॉग्स, और बहुत कुछ लिखवाया हुआ है एक्रापोविक वगैरह वगैरह वगैरह, और यहाँ पे लिखवाया है आरसी, और इधर है ऑफ रोड ब्रदर्स, और यहाँ पे डेडपूल का लोगो जो कि बहुत खतरनाक लग रहा है। गाइज मेरा कोई प्लान नहीं था डेडपूल का लोगो लगाने का, मैंने डेडपूल का लोगो इसीलिए लगाया बिकॉज गाइज इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये पूरा डेडपूल को रिप्रेजेंट कर रहा था, तभी मैंने डेडपूल लगवाया, नहीं तो डेडपूल लगवाने का कोई खास प्लान नहीं था मेरा। यार बाइक एक नंबर लग रही है, बाकी यहाँ पे पूरा पेंट जॉब हुआ है देख सकते हो आप, तो एक नंबर लग रही है यार बाइक। यहाँ पे भी मैंने ए लिखवाया हुआ है, और गाइज रिम्स भी दोनों पेंट करवाया, आगे रेड कलर है और पीछे हमारा ब्लैक कलर है। और गाइज बाकी लीवर चेक करो, रेड कलर के लीवर और ब्रेक्स भी रेड कलर की है। गाइज अभी जो आप बाइक देख रहे हो ना, ये कंप्लीट नहीं है, अभी इस पे और काम होने वाला है। ये देख रहे हो ना टैंक खाली रह गया, ये भी भरना है अभी, और ये वाली जगह भी भरनी है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। गाइस डिले बहुत हो रहा था ना, इसलिए मैंने पहले ही निकलवा दी बाइक। वो एक नंबर लग रही है यार, आप लोग कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है। सेल्फी ले लो ना, सेल्फी ले लो, सारे आ जाएंगे। ओके मिलते, थैंक यू आने के लिए, थैंक यू। हल्क मॉडिफाई करवाएंगे ना, फिर भी आना सारे, ठीक है। आ जाओ आ जाओ।